इतने मेरे पास हो तुम नुमाया राज हो तुम, सच कहूँ तो दूर तुमसे जरा सा मैं जब भी हुआ। What's up everybody? Hi, hello. आजो जल्दी से आलिम भाई, देखे गुड मॉर्निंग। शादा भाई गुड मॉर्निंग। कल रात हमारी लंबी रही है बट या फाइनली ऑल सेट एंड बहुत सारा प्यार आपको। इस साल का पहला लाइव, पहला गाना एंड आई कैन सी द एक्साइटमेंट। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट आप सब में है, मेरे अंदर है। आलिम भाई लव यू आलिम भाई। मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो बहुत सारे मेरे जो स्मार्ट फैंस हैं उन्होंने PRA का ऑडियो ऑलरेडी सुन लिया है और मैं चाहता हूं कि वो कमेंट करके मुझे बताए कि ऑडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने नहीं सुना है अब थोड़ा सा वेट कर लो, 10 मिनट में हम मिलकर यहां से YouTube पर जाएंगे और वीडियो देखेंगे, वीडियो ऑडियो साथ में। नौशाद भाई गुड मॉर्निंग, आ जाओ आप भी जल्दी से। I was thinking yesterday, मैं कल ही सोच रहा था कि एक इंसान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत तब होती है जब वो छोटा होता है, when he is young। तो मेरे जब गाने बहुत यंग होते हैं, जब बच्चे के फॉर्म में होते हैं, तब उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है नौशाद भाई से। वो ही गिव्स मी सो मच एनर्जी एंड द ट्रस्ट यू हैव नौशाद भाई इन मी, थैंक यू, लव यू सो मच। एंड और ये जो पहला इनिशियल सपोर्ट आपसे नहीं मिलता फॉर ऑल द सॉन्ग्स, तो मैं शायद ये गाने इतने खूबसूरत तरीके से नहीं बना पाता। सो थैंक यू फॉर बीइंग द सपोर्ट एंड ऑलवेज ट्रस्टिंग मी सो मच, ट्रस्टिंग मी मोर देन आई ट्रस्ट माई सेल्फ समटाइम्स। सो थैंक यू। हेलो। सो फाइनली इट्स द डे और 10 मिनट में हम लोग प्यारे का वीडियो देखेंगे। अभी मैं थोड़े क्वेश्चंस देख लेता हूँ क्योंकि इधर तो मुझे हर बार की तरह सिर्फ वही दिखता है और इमोजीज और हाय। कॉफी ले आओ। हाँ ग्रीन टी अभी थोड़ी देर पहले ही पी है। और पठान रिव्यू अभी तक मैंने देखा नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे ये म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए मैंने जो वक्त निकाला है जिस तरह से वक्त निकाला है, बिकॉज लास्ट 1.5 मंथ आई हैव बीन ट्रैवलिंग एवरी डे इन अ डिफरेंट सिटी। मैं सोता कहीं और, उठ के कहीं और किसी सिटी में चला जाता हूँ। सो इट्स बिन वेरी वेरी हेक्टिक। और उसमें हाँ ब्रेकफास्ट कर लिया। ऑल्सो कल रात को भी बहुत लेट तक हमारे फाइनल चेक चल रहे थे, देन आई वॉज सीइंग व्हाट ऑल यू वर राइटिंग अबाउट द ऑडियो एंड हियर आई एम। सो तो सबसे पहले गाना है, उसके पहले मैं मेरा थैंक यू सबको बोल देता हूँ। आई वुड वॉन्ट टू स्टार्ट विथ दो बहुत स्पेशल लोग हैं जो इस गाने में, उनके विदाउट ये गाना शायद ये नहीं सुनाई देता। तो तीन लोग हैं, चार लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू इंडी म्यूजिक एंड वॉर्नर फॉर बींग देयर फॉर दिस सॉन्ग एंड लीजो जॉर्ज। पता नहीं वो लाइव आए हैं कि नहीं आए वो मेरे जितने ही नर्वस होंगे अभी। लीजो भाई क्या बोलूँ अभी मैं, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। एक साल हो गया, लास्ट ईयर फेब में ये गाना बना था व्हेन आई वेंट टू अहमदाबाद, उसके बाद जब मैं वापस आया। तो इस गाने का जो प्रोजेक्ट नाम है वो प्रोजेक्ट नाम ही है आफ्टर अहमदाबाद। सो या लीजो भाई, जितना हक मेरा इस गाने पर उतना हक आपका है। और उसके बाद है गुरप्रीत सैनी और गौतम शर्मा। गुरप्रीत भाई और मेरा सबसे ज़्यादा वक्त हमने लिया है इज ऑन द लिरिक्स, समझो पूरा साल ही हमने ले लिया है इस गाने को लिखने में। एवरी वर्ड इज रिटन विथ लॉट ऑफ लव इमोशन एंड दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दैट इट्स ओनली फॉर यू, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप लोग इतने दिल से और मन से मेरा गाना सुनते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे गाना बनाने में, बट You know how it's going to be.
થોડું ગુજરાતીમાં બોલું ને હું આઈ એમ સ્પીકિંગ હિન્દી બીકોઝ સબકો પતા ચલે ગુજરાતીમાં બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ તો ખાલી આપણા જે ગુજ્જુ છે એમને જ ખબર પડશે બટ યા ઓફકોર્સ વાય નોટ એન્ડ સો લીજુભાઈ થેન્ક યુ ગુરપ્રીત સૈની ગૌતમ શર્મા અગર યે ગાના આપને એસા લિખા નહીં હોતા તો યે ગાના એસા બનતા ભી નહીં દેર વોઝ અ ટાઈમ બીચ મે ગુરપ્રીત ભાઈ કે મેં પીછે ઇતના પડ ગયા તો ઉન્હોને કહા કે પાજી કામ કરો આપ યે ગાના મેરે સે મત લિખવાઓ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રાઇટ આઈ એમ નોટ આઈ થિંક આઈ વોન્ટ બી એબલ ટુ રાઇટ ધીસ સોંગ ઓર આઈ ટોલ્ડ હિમ દેટ આપ હી લિખ પાઓગી ગાના ઓર આપ હી લિખોગે એન્ડ દેન this line came in itne mere paas ho tum numaya raas ho tum and every word in this song is my favorite and comes the video ke bare mein zyada main detail mein abhi nahi bolunga kyunki video abhi tak aap logon ne dekha nahi hai but my brother Dhruval Patel pushing me always to do something different and we have shot this song for 6 days 4 से पांच दिन हमने वी हैव शॉट इन एक्शन मतलब पूरा दिन एंड देन डिफरेंट चंक्स मेरा जिस दिन जयपुर शो था उस दिन सुबह भी हम वी वर शूटिंग समथिंग इन चंडीगढ़ एंड देन आफ्टर जयपुर व्हेन वी केम हियर बैक इन मुंबई और देन आल्सो वी वर शूटिंग समथिंग हियर इन मुंबई एंड ऑफकोर्स इन हिमाचल यू विल सी क्या क्या हमने किया है बट इट इज हिज थॉट प्रोसेस एंड पहले सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ द शेड्यूल दैट आई हैड हम शायद वीडियो नहीं करने वाले थे बिकॉज टाइम ही नहीं था बट बहुत अमेजिंग तरीके से वी जस्ट फाउंड द राइट टाइम एंड वी हैव शॉट इट एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट म्यूजिक वीडियोज आई डोंट नो अभी नेक्स्ट वाला आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा लगे और किसी ने पूछा है व्लॉग आएगा क्या ऑफकोर्स आएगा यूजली जब when you are shooting for a song bahut zyada there's too much of stress ki aapko act karna hai ye karna hai wo karna hai in this song I really really enjoyed a lot aur is song ki shooting memories bahut zyada hai mere paas there's this scene where I'm on the rock and I'm just looking at the trees so jo main actually dekh raha tha what I was going through and what I was feeling was same cheez humne we have tried to show it to you as well it was so beautiful ke abhi main kaise express karu but yeah wo mere liye thode time ke liye us time par waqt ruk gaya tha and I was watching the trees and it was so beautiful aisa mujhe laga ki mujhe neend aa jayega 10-15 minute ka shayad maine nap le bhi liya tha aankhein thoda band karke bas It was very beautiful. So, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप पहले एक बार देखो फिर मैं सारी चीज़ें I'll keep sharing with you. But yeah, and from the team, Jigar Bhai, Shyam, Pallav, Avish, ये इन लोगों के वजह ये नहीं होते तो ये वीडियो नहीं बनता बिकॉज वी हैव कहाँ हम चले गए टू शूट दिस एंड सम सरप्राइजेस एज वेल इन द म्यूजिक वीडियो वो अभी नहीं बात करेंगे और केवल 8 मिनट बाकी है ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक शादाब भाई जो हम पूरा सब कुछ इतना सारा तामझाम लाइव करके इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे लोग इतना सारा कोरस लेके उनके पास पहुंच जाते बट ऑलवेज यू ऑलवेज गिव अस द बेस्ट मिक्स एंड यू मेक श्योर दैट द सॉन्ग साउंड्स परफेक्ट सो आपको And I don't know how you do this magic always के जो गाना होता है वो आप लास्ट में इतना जबरदस्त मिक्स करते हैं इट साउंड सो ग्रेट और अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू विल बी फॉर माई ब्लू फैमिली दिस सॉन्ग इज फॉर यू गाइज एंड यू गाइज हैव बीन द कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू मी अगर आप लोग इतना मुझे प्यार नहीं करते इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं ये इस तरह से गाने नहीं बना पाता इतना मेरे आपको मैं इन्वॉल्व नहीं कर पाता गानों से बट आई नो कि कितना पैशनेटली आप मेरे गानों को प्यार करते हैं सुनते हैं और वही पैशन मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं सच में ऐसे मैं बहुत सारी जगहों पर जाता रहता हूँ और लोग मुझे आकर गले मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपके गाने ने मुझे कितना सपोर्ट किया है एंड जेन्युइन आई डोंट नो बट मैं ये जानता हूँ कि म्यूजिक के अंदर इतना पावर है और कब जब इंसान के पास कोई नहीं होता तब देन म्यूजिक इज देयर और यही एक मेरे लिए रीज़न है म्यूज़िक बनाना कि जब कोई कहाँ किसी शहर में अकेला होगा आई विल बी राइट नेक्स्ट टू यू विथ माई सॉन्ग सो
आई जस्ट होप यू गाइस लाइक दिस सॉन्ग एंड अब जितना इतना ज़्यादा तो मैं शायद किसी गाने में बट आई एम वेल प्रिपेयर्ड आई थिंक मैंने सबको थैंक यू बोल दिया अगर कोई रह गया होगा तो मैं आई एम सॉरी बट इट इज प्लीज और गाना आप देखो एंड जस्ट आप बताओ अभी कितना मिनट इट इज इन हाँ इन 5 मिनट्स वी ऑल विल अहमदाबाद का क्या प्लान है अहमदाबाद में आ रहा हूँ 12th of Feb अपना कॉन्सर्ट है और कॉन्सर्ट में PRA भी पहली बार गाने वाले हैं तो जितने लोग अहमदाबाद से भी लाइव देख रहे हैं 12th Feb को मिलते हैं वाह इतना वेट करता हूँ मैं कि कब लाइव आऊँ और मैं इतनी सारी बातें करूँ एंड फाइनली आई शेयर द सॉन्ग विथ यू मेक श्योर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये गाना व्हाट एंड लिसन इट 2-3 बार सुनो बिकॉज इट विल टेक टाइम टू ग्रो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ओरिजिनल मेलोडी थोड़ा सा टाइम लेगी ग्रो होने में सो लिसन इट 2-3 times जस्ट बी विद द सॉन्ग एंड देन प्लीज राइट योर मैसेजेस इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है मुझे आज मेरी एग्जाम का रिजल्ट है ऐसा फील होता है कि मैंने जो हमने पूरे एक साल इतनी मेहनत की फॉर वन सॉन्ग एंड बनाते 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 चेंजेस करते 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 ये ड्राफ्ट वो ड्राफ्ट इतने ड्राफ्ट फाइनली इट फील्स लाइक द रिजल्ट डे और आप लोग हमें मैं अमी आपका बचपन से फैन हूँ सर थैंक यू यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो अगर किसी को थैंक यू कहना रह गया हो फ्रॉम द टीम यू डिडंट सी आर रिएक्शन सिंस लास्ट नाइट ऑफ कोर्स आई हैव सीन एवरीथिंग आपको लगता है मैंने देखा नहीं मैंने सब कुछ देखा है आवर फीलिंग आई एम फीलिंग आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ आई विल फील थोड़ा सा ओके वंस द सॉन्ग इज आउट योर हेयर इज लुकिंग सुंदर थैंक यू द ऑडियो इज टू गुड दर्शन जी थैंक यू बस अब आपको वीडियो भी पसंद आ जाए तो हमारा यहाँ से हमारा काम खत्म होता है अब आपका काम शुरू होता है सुनने का और इसे एंजॉय करने का हैप्पी चॉकलेट डे है आज वाह तुम नुमाया राज हो तुम ऑल्सो जो लोग नहीं जानते नुमाया का मतलब है जाहिर एवरीबॉडी नोज बट स्टिल यू आर माई सीक्रेट क्या है 4 मिनट्स टू गो और ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने कहा वाइस सो हॉट आई डोंट नो बचपन से ही शायद आदत हो गई हॉट दिखने की नुमाया का मतलब क्या है मैंने समझा दिया जितने क्वेश्चंस हो सक रहे मैं रीड कर रहा हूँ वो जो क्वेश्चंस वाला सेगमेंट है वहां पर तो प्लीज आज सारे लोग चॉकलेट खा लीजिए मेरी तरफ से एंड मैंने ऑडियो सुन लिया मजा आ गया क्या बात है अब वीडियो भी देख लेना सुनो गाना रिलीज होने के बाद पूछने जरूर आना गाना कैसा लगा मैं YouTube पर ही रहूंगा तो मैं कमेंट रीड कर रहूंगा तो वहां लिख देना फ्रॉम द लाइव एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द सॉन्ग तो मैं वो रीड कर लूंगा आज पूरा दिन आपको पता ही है आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर मी योर रिएक्शंस एंड रिव्यूज फॉर द सॉन्ग रियली मीन्स अ लॉट व्हेन वाज द सॉन्ग शूट अभी थोड़े दिन पहले लाइक अ वीक बैक कौन सा लास्ट बेलगाम का शो करके हम लोग निकले थे वी वेंट टू चंडीगढ़ स्टेट द नाइट देयर टुक द वहाँ से हम कुल्लू का हम पहुँचे थे एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग वहाँ से आगे एंड देन वी चेंज द प्लेसेस आल्सो वी वेंट टू धर्मशाला एज वेल और बहुत सारी जगह है अच्छे से सोए हो 3 मिनट्स टू गो गाइज 21,000 पीपल विथ मी हम सब मिलकर इंडी म्यूजिक लेबल के YouTube चैनल पर जाएंगे और आई एम योर बिगेस्ट फैन आई लव योर सॉन्ग्स थैंक यू आपके इस ग्लो का राज क्या है वो मैं आपको PRA के बाद बताऊंगा देखने के बाद दर्शन आपका सॉन्ग सुन के सैडनेस जैसा फील होता है मैं काफी सैड सॉन्ग बनाता हूँ ये वाला जो है इसके लिरिक्स हुक के लिरिक्स ऐसा लगता है कि सैड है बट दिस इज नॉट अ सैड सॉन्ग इट्स अ वेरी वेरी रोमांटिक सॉन्ग आई होप हाँ व्हेन आर यू कमिंग टू पुणे पुणे में अभी आया था नेक्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू अहमदाबाद
सो 12 फेब को मैं अहमदाबाद हूँ, अगर आप अहमदाबाद के आसपास हो तो हम मिलेंगे अहमदाबाद में। सो मैं आपको प्यारे वहाँ सुना भी दूंगा गा के। और कैन यू गिव मी ओ या, नो आई कैन नॉट गिव यू ओ या। रिव्यू ऑफ योर सॉन्ग वो आप मुझे बताएंगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड आई जस्ट होप सबको पसंद आए। आपके सारे ही रोमांटिक है। हाँ, काफ़ी रोमांटिक रोमांटिक तो है गाने मेरे। इंस्पिरेशन टू पीआरए, इसका जवाब बाद में देता हूँ बिकॉज लास्ट वन मिनट। यू आर माई पीआरए, माई ब्लू फैमिली इज माई पीआरए। ओके गाइज, चलो लेट्स गो। एंड देखो पीआरए, वंस अगेन थैंक्स टू माई एंटायर टीम एंड ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम मुझे थैंक्स कहने दो पूरी टीम को कि ये इट इज़ जस्ट नॉट मी, मैं सिर्फ फ्रंट फेस पे दिखता हूँ, ये पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है जिनके वजह से आप जो देखेंगे वो देखेंगे अभी। सो थैंक्स टू माई एंटायर टीम एंड ऑल ऑफ यू, ऑल यू क्यूटीफाइज, रियली रियली लव यू अलॉट। थैंक यू, थैंक यू। चलो लेट्स गो, चलिए 11 बजे के आ गया, चलो 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 चलो।